धनबाद जल रहा है दो परिवारों के बीच की आग में। धनबाद का सिंह मेंशन और धनबाद का रघुकुल, इन दो परिवारों के बीच जो टकराव है, अब ये टकराव का असर पूरे धनबाद में देखने को मिल रहा है। कोयलांचल धनबाद में एक बार फिर सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच टकराव देखने को मिला है। इस बार फिर एक जमीन को लेकर सिंह मेंशन ने रघुकुल घराना के झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर बिल्डर को धमकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बिल्डर और सिंह मेंशन की बहू रागिनी सिंह ने सरायढेला थाना में हर्ष सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर चारों ओर शोर मचा है, चारों ओर बस इन्हीं दो परिवारों की बात चल रही है और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। ये फिलहाल जो मामला सिर्फ धमकाने तक सिमटा हुआ है, ये मामला आगे बढ़ भी सकता है। फिलहाल जिस बिल्डर को धमकाया गया है, आखिरकार पूरी कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई इस कहानी की, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की कहानी आप सभी को तो याद ही होगी, एक कलयुगी महाभारत धनबाद में भी चल रहा है, सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच। इस बार की कहानी विस्तार से हम आपको बताते हैं। मामला एक बार फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा है। धनबाद के नावाडी का रहने वाला बिल्डर रिंकू पाल उर्फ रवन कुमार ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सरायढेला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। हर्ष के साथ साथ एकलव्य सिंह और अभिषेक सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। रिंकू पाल ने बताया कि शुक्रवार को वो कोला कुसमा स्थित रागिनी सिंह की आवास सिंह मेंशन में बैठे थे। उसी समय उन्हें कॉल आया और कॉल करने वाले ने नाम लेते हुए कहा कि माफी हो गई है, पहचान रहल हो, जिसके बाद दूसरी ओर से आवाज आया कि जल्द भेंट करेंगे और जान से मार देंगे। इसके बाद कहा कि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह बोल रहे हैं और तुरंत फोन काट दिया। वहीं कुछ देर बाद विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आना शुरू हो गया और डर के कारण उन्होंने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। मामला कुछ नहीं था, इनकी एक ज़मीन थी, हम एक्चुअली मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है तो मार्केट वगैरह फ्लैट वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो वही हमारी ज़मीन देखने गए थे। वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था, नापी वूपी हो रहा था, तो फिर वहाँ से निकले थे, यहाँ से थाना गया तो वहाँ बातचीत हुआ कि भाई ठीक है, अब शाम में दोनों पार्टी मिली। जबकि हमको ज़मीन के विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमको ज़मीन कन्वर्शन में लेना था, उसमें बिल्डिंग बनाना था। तो 2:48 में इस नंबर से हमको कॉल आता है, ये नंबर से ठीक है, इस नंबर से फ़ोन आता है हर्ष सिंह द्वारा, फिर हमको धमकी दिया जाता है, पहचान नहीं रहे हो कौन, तो नॉर्मल था, तो हम पहले बोले नहीं ठीक है भाई कौन है क्या है तो बताएं कि आप उस ज़मीन से तुम हट जाओ नहीं तो जान से जाओगे, ठीक हम फ़ोन काट दी। और उसके बाद कंटिन्यू, मतलब उस फ़ोन के बाद कंटिन्यू, ये देखिए ये विदेशी कॉल से कम 20 से 25 बार हमको फ़ोन आ चुका है जो हम रिसीव नहीं किए। तो वही था, फिर हम अपना बात रखें तो SSP साहब के पास भी बात रख दी, यहाँ भी रख दी कि अगर भविष्य में मेरे साथ कोई घटना घटता है तो हर सिंह उनके भाई और उनका परिवार इस चीज के। वही रमन पाल उर्फ रिंकू ने बताया कि शुक्रवार को सरायढेला थाना स्थित बलियापुर रोड में एक जमीन की मापी हो रही थी, लेकिन उस जगह पर कुछ पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और जमीन का मालिकाना हक कागज लेकर सरायढेला थाना उपस्थित होने को कहा। इसी जमीन की माफी को लेकर हर्ष सिंह ने हमें धमकी दी है। वहीं BJP नेता रागिनी सिंह बोल रही हैं कि जमीन हमारी है जिसे हमने एक माह पूर्व ही लिया है, वहां पर काम करने गए बिल्डर से रंगदारी मांगी जा रही है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही कहा कि मेरे जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसको विशेष कर दिया गया है क्योंकि मेरा जमीन बलियापुर रोड में मेन रोड पे ही है और पहले से ही एक हम लोग ले चुके हैं और अभी हाल फिलहाल हम लोग 30-35 कट्ठा ज़मीन लिए हैं और ये ठेकेदार हैं, इनसे हम लोग बात किए थे, अपने ज़मीन को इनको देना चाह रहे थे और इसी मामले में आज ज़मीन को ये निरीक्षण करने गए और हम भी अपना बाउंड्री कराने के लिए नापी उपी के लिए सोच रहे थे, तो कुछ लोग
सत्ता के दबाव में धमकी और वहाँ काम को रुकावट डाला, और तो हम लोग थाना में कंप्लेन की, थाना वहाँ पहुँचा, थाना यहाँ हम लोग दोनों पक्ष को बुलाया गया था शाम को 6 बजे, लेकिन हम लोग बहुत शांति से सोचे कि चलिए सिस्टम से सारा चीज़ हो, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए जिसका जो पेपर है। और 2 बजा तो 2 के 3, 2:30, 3 बजे के करीब ये हमारे ही साथ यहाँ आने, हम लोग आने वाले थे पेपर लेकर, तब तक इनको धमकी भरा कॉल आता है कि आप हस्तक्षेप ना करें और उनको उनका ज़मीन से आप साइड हट जाएं। तो कुछ लोग मेरे ज़मीन पे नज़र है और हथियाना चाह रहे हैं, तो हम होने नहीं देंगे। किसके द्वारा ये कॉल आया? यहाँ विधायक के द्वारा, उनके देवर लगातार धमकी दे रहे हैं और अपराधियों द्वारा उनका कॉल भी आ रहा है, तो अगर कुछ भी होता है तो उसका पूरा जिम्मेवार यहाँ के विधायक होंगी, उनके देवर होंगे, और हम एसपी साहब को आवेदन दे चुके हैं, थाना में भी दे चुके हैं। ये मेन कॉल पे आया था या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दिया गया? मेन कॉल में भी आया है, व्हाट्सएप में भी आया है, व्हाट्सएप में विदेशी कॉल के से नंबर आ रहा है, और मेन कॉल पे भी 2-4 बात की गई है, लेकिन उन्हें लगा कि हमारे कॉल को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो वो फिर दूसरे कॉल से। ये तो इस तरह से गुंडागर्दी और रंगदारी चरम सीमा पे है, तो हम धनबाद के कोई व्यापारी है नहीं कि हमें वो धमकाना चाह रहे हैं, तो हम अपना जो नियम है, जो कानून है, वो हम आकर थाना में किए बताया और इस पर जाँच होनी चाहिए। अगर जाँच नहीं होती है और किसी तरह की अनहोनी इनके साथ घटना होती है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार हर सिंह हैं, उनके जो भी उनके जरिए जो अपराधी तत्व के लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को जानकारी दे चुकी हूं, इस पे जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों परिवार के रार में पुलिस का क्या एक्शन होगा, साथ ही क्या पुलिस इस मामले को सुलझा पाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। धनबाद से लाइव 7 के लिए कुंदन की रिपोर्ट। जमीन की लड़ाई ने धनबाद के लोगों की चिंता बढ़ा कर रखी है। इस बार जमीन के पचड़े में फंस गए हैं बिल्डर रिंकू पाल। हम सीधे चलेंगे रिंकू पाल के पास, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 में। हम आपसे सीधा सवाल ये करना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, इन दो घरानों के बीच में आप कैसे फंस गए? देखिए, घरानों के बीच का बात नहीं है, ये व्यापार का बात है। अब आप, हम बिल्डिंग का काम करते हैं, हमको कोई भी बिल्डिंग का कोई जमीन देगा उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें घराने वाला तो कोई मैटर है नहीं। नहीं नहीं जी, बोलिए, आप अपनी कहानी सुनाएं कि क्या हुआ है आखिरकार, शुरुआत से बात बताएं। हाँ, हमको जानकार, हमसे जैसे बात हुई थी कि भाई ठीक है, ये जमीन है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसको कन्वर्शन पे देना है जी, तो हम उस जमीन को देखने गए, जमीन देखे, जमीन बाउंड्री किया हुआ था, उसके बगल में देखे नापी वापी चल रहा था, और जमीन हमको पसंद भी आया, ऑन रोड जमीन था, बोले ठीक है, हम इसमें एग्री किए भाई, ठीक है, इसमें काम करेंगे। लेकिन उसी में अचानक से हमको कॉल आती है 2:48 पे जी, आपको जमीन में नहीं पड़ना, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो जान से चले जाइए। तो अब जमीन का क्या विवाद है, ये थाना समझे, सीओ साहब समझे, इसमें एक बिल्डर का क्या लेना देना है जी, बिल्कुल। तो फिर ये एक व्यवसायी आदमी, हम लोग व्यापार करते हैं और व्यापारी आदमी को ऐसे धमकाना हड़काना जी, हमने इसलिए शुरुआत में कहा कि इन दो परिवारों के बीच में आपका फंसने का मतलब ये है कि आपने तो अपना व्यवसाय देखा, आपने अपना कारोबार देखा, आप अपने काम को लेकर वहां गए थे, लेकिन ना चाहते हुए भी आप घसीटे गए इस मुद्दे में, आपको लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जैसा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपको विदेशी नंबर से भी कॉल आई है, क्या है वो, उसका पूरा माजरा क्या है? वो पूरा माजरा मैंने एसएसपी साहब के संज्ञान में पूरा दे दिया है जी, थाना में दे दिया। अब ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको वो नंबर, एक नॉर्मल कॉल से भी हमको कॉल आई है पहले जी, ठीक है, विदेशी नंबर, कम से कम नॉर्मल कॉल को आप जांच पड़ताल कीजिएगा, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी, बिल्कुल। कि किसका नंबर है, इस नंबर से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपको जब कॉल आया था तो क्या किसी तरह के नाम भी ली गई थी कि मैं ये फलाना बोल रहा हूँ? हाँ जी, कौन था वो, कौन वो शख्स का नाम क्या था, उसने अपना नाम क्या बताया? हर्ष सिंह, सीधे तौर पर उन्होंने अपना नाम लेकर आपको कॉल किया था? हाँ जी, क्या बोला था कॉल करके?
यही कि वहां से हट जाओ, नापी हो गई। हम बोले कौन सा नापी, हमको जब जब कोई जानकारी किसी चीज का नहीं तो सामने वाले से तो यही पूछोगे ना। जी बिल्कुल, पहचानते नहीं हो। हम बोले नहीं पहचानते हैं, बताइए आप कौन बोल रहे हैं। जी तो मतलब सीधे तौर पर एक धमकी भरी कॉल थी। हाँ, और जैसे ही फोन वो कटा है तो अच्छा ठीक है बताते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू मेरे पास से विदेशी नंबर से करीब 25 से 30 बार कॉल आने शुरू आया। तो थोड़ा सा फिर हम नर्वस हो गए उस समय। देखिए व्यापार, हम लोग का काम है व्यापार करना। बिल्कुल, और हम थोड़ा सा नर्वस हुए तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हम डिसीजन लिए कि भाई ठीक है, कम से कम आदमी ये प्रशासन के संज्ञान में दे दे कि कल को कोई घटना अगर मेरे साथ घटती है तो ये जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे। हम तो रिटर्न में दे दिए हैं इस चीज को। जी, हमारे पास बकायदा आवेदन की कॉपी है। हाँ, और बाकी दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, यही वो आवेदन की कॉपी है जो आपने प्रशासन को सौंपा है। हाँ, और आप भी देश का चौथा स्तंभ है। हम तो चाहेंगे कि आप भी प्रशासन से कम पूछिए कि भाई कल का आवेदन आपको मिला हुआ है। बिल्कुल, हम लगातार सवाल कर रहे हैं। किसी भी मसले पर हम तह तक पहुंचते हैं और प्रशासन से लगातार इस तरह के सवाल होते रहते हैं कि आखिरकार ये मसला अगर आप तक पहुंचा है, ये मामला आप तक पहुंचा है तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, अभी तक क्या अपडेट है, ये भी हमारी सवाल है प्रशासन से। अब कहीं ना कहीं तो मेरे मन में डर है कि धनबाद में बिल्डिंग ना बना के आदमी कहीं बाहर काम करे। तो क्या आप वहाँ जहाँ आप काम करने जा रहे थे, जिस जमीन को लेकर आपको धमकी मिली, वहाँ आप काम रोक देंगे? अब क्या करेंगे, अब कैसे बढ़ेंगे? अब इस माहौल में बढ़ना अच्छा है, आप ही बताइए जी। हमारे कहने ना कहने से यहाँ फिलहाल फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं। धनबाद में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब कल का घटना देखिए तो हम नहीं कर रहे, प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं। और प्रशासन कल तो सहयोग भी हमको किया जी, ऐसी का आश्वस्त भी किए हैं, प्रशासन की तरफ से मिला आश्वासन। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर निकलेगा। रिजल्ट निकलता है तो हम काम में आगे बढ़ेंगे। दोबारा क्या आपको कोई कॉल आया, धमकी भरा कॉल, या कोई किसी ने आपकी रेकी करने की कोशिश की, कोई आपके आसपास नजर आया हो, ऐसा कुछ हुआ है? अभी फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो हम फिर इस चीज को संज्ञान में दे देंगे, मीडिया को भी और प्रशासन को भी। जी, आप उस वक्त सिंह मेंशन में बैठे हुए थे जिस वक्त कॉल आया? वही बैठे जी, वही बीजेपी नेता रागिनी सिंह के पास आप मौजूद थे जी, इस पूरे मसले को लेकर रागिनी सिंह ने क्या कहा आपको, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या उन्होंने कहा है कि क्या आपके साथ वो खड़े हैं इस मामले को लेकर? देखिए, उन्होंने जब हम उनके पास जब बात गए तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि देखिए धनबाद का माहौल ठीक नहीं है, मतलब बहुत माहौल खराब है, तो इसलिए आप सबसे पहला काम कीजिए कि हम लोग प्रशासन को इस चीज से अवगत करा देते हैं कि ऐसा ऐसा है। बाकी आपके लिए हमको कहीं भी जाना होगा। एक आम इंसान तो यही करेगा ना कि अगर उसे धमकी भरी कॉल आएगी तो वो पुलिस के पास पहुंचेगा, पूरे मामले को संज्ञान में देगा। जी जी जी, और यही बोले हैं वो कि भाई ठीक है, अगर यहाँ से कुछ नहीं रिजल्ट निकलता तो हम आगे भी आपके साथ खड़े हैं, और यहाँ हमको कहीं आपका बात रखना होगा, जहाँ जाना होगा हम आपके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना हिम्मत हमको वो दिए हैं। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। और हम चाहेंगे ये कि आपका मामला जल्द सुलझे, किसने आपको धमकी दी है उसकी गिरफ्तारी हो, उससे पूछताछ हो, और पूरा माजरा आखिरकार क्या है इसका खुलासा होना बिल्कुल जरूरी है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू। ओके, थैंक यू सर। हम अपने सहयोगी कुंदन के पास चलेंगे। कुंदन, हमने रिंकू पाल से बात की, इस मामले में कथित तौर पर वो पीड़ित बताए जा रहे हैं, शिकायतकर्ता भी वही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने प्रशासन को मामले का संज्ञान दे दिया है, हालांकि उन्हें आश्वासन भी मिला है प्रशासन की ओर से कि कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिन पर आरोप लग रहा है वो एक विधायक के देवर है, हर्ष सिंह। अब इस मामले में प्रशासन कितना एक्टिव होती है, क्योंकि इस तरह के पहले भी आरोप हर्ष सिंह पर लगते रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कुंदन? देखिए, आप बता दें, ये धरिया में दो घराना है, जहाँ कहा जाता है सिंह मेंशन और रघुकुल, ये दो घराने हैं। दो घराने में अगर रंजिश है तो उसमें जो भी पचड़े में पड़ते हैं वो उनको बहुत नुकसान होता है। आपको बता दें, ये रिंकू पाल जैसे हैं, रागिनी सिंह भाजपा नेत्री है, ठीक ना, और पूर्णिमा सिंह कांग्रेस विधायिका है झरिया। आपको बता दें कि रागिनी सिंह ने रिंकू पाल को जमीन बेचने की दर पे दी थी, चाहे उन्होंने वहां पे काम को देख के दिया था, वो
बात हुई, लेकिन उस जमीन पे जाते के साथ उसे कॉल भरे धमकी आने लगे जैसा, और जैसे देख सकते हैं कि आप वो डरे समय से नजर आए, जैसे फोन कॉल में उन्होंने बताया कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर सिंह का फोन आता है। हम लोग ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हर सिंह का फोन था, उनका कहना था कि हर सिंह का फोन आता है, और वो कहते हैं कि वहां जमीन में नापी हो गई तो वहां से हट जाओ नहीं तो तुम्हें समझा दिया जाएगा। तो ये समझाने के बाद उन्हें विदेशी नंबर से कॉल आना और उन्हें जान से मारने की धमकी, और धनबाद में आए दिन आप गोलीबारी देख सकते हैं, धनबाद में गोली चलना आम बात हो गई है, बम फूटना आम बात हो गई है, क्योंकि प्रशासन। हम अपने अपने दर्शकों को बकायदा वो कॉल लिस्ट एक बार दिखाना चाहेंगे, हमारे पास वो कॉल लिस्ट मौजूद है, ये वही कॉल लिस्ट है जिसमें विदेशी नंबर है, जो इसी नंबर से, इसमें सारे वो नंबर्स लिखे हैं जिससे रिंकू पाल को कॉल आया था। हालांकि टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये वही लिस्ट है जिसमें सारे नंबर्स दर्ज हैं। पहले एक नॉर्मल कॉल आता है, फ़ोन कॉल आता है, उसके बाद वीडियो कॉल आते हैं विदेशी नंबर से। आप देख सकते हैं वो नंबर का लिस्ट हमारे पास है। अब सवाल ऐसे में उठता है कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, सवाल ऐसे में ये उठता है कि फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रहा है, क्योंकि हर सिंह का नाम आना ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कुंदन जी बिल्कुल पहली बार घटना नहीं है हर सिंह के नाम आने, बहुत सारे नाम आए हैं, लेकिन प्रशासन की बात करें तो ये हर सिंह है। प्रशासन को बता दें कि इन पे मामले जितने भी जुटे हैं, आपने कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये प्रशासन की बात ही है। आपको हम बता दें कि आम लोग जो ग्रसित है धनबाद में, जिन पे गोलियां चल जाती है, दो दिन पहले चाकू से बार कर दिया गया केंदुआ में। जी हम आपको रोकना चाहेंगे कुंदन, हमारे साथ रागिनी सिंह बीजेपी नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रागिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेवन में। हम सीधे तौर पर यह सवाल करना चाहेंगे, एक जमीन विवाद आया है सामने जिसमें आप लोगों का नाम और पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम सामने आ रहा। आपने एक जमीन के व्यवसाय को लेकर रिंकू पाल को इस जमीन को बेचने का टेंडर दिया था जैसा कि हमें बताया गया है, और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रिंकू पाल को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। क्या आपके पास मामला संज्ञान में है, क्या इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे रागिनी जी? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी, रिंकू पाल को धमकी भरे कॉल आते हैं उस वक्त जब रिंकू पाल आपके घर पर बैठे हुए थे, आपके आवास पर बैठे हुए थे, मामला जमीन से जुड़ा बताया जा रहा, आप क्या कहेंगे पूरे मसले पर? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखिए मामला ऐसे देखिए तो बहुत ये नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से भी धनबाद की जो स्थिति हो गई है जी, राजे देखिए जमीन को तो अलग मुद्दा है, जमीन तो जांच कमीशन है, जिसका जमीन है वो अपना ले ही लेगा अगर जांच में जिसका सही पेपर होगा जी। लेकिन यहाँ बात है और दुख की बात ये है कि आज के दिनों में धनबाद में कोई भी व्यवसायी, कोई भी ठेकेदार सही से अपने तरीके से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि यहाँ जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है और जब से सत्ताधारी विधायक है वो लोग गुंडागर्दी चरण सीमा पे, खास करके हमारे झरिया में परिणाम आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे तो पूरे झारखंड में ये सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे झरिया की स्थिति बहुत गंभीर है, रंगदारी और गुंडागर्दी पे चरण सीमा पे है। तो कल हमारी एक जमीन थी बलियापुर रोड में, मेन रोड पे ही है, पहले से ही हमारी कुछ प्लॉट है वहाँ, उसके बगल में थोड़ा और कुछ लोग हमसे किया, उनके कुछ दिक्कत थी तो हमी को देना उचित समझा, क्योंकि वो जमीन उन्हीं का पटीदार का था, तो वो लोग भी हमी को दिए। तो इस जमीन में आखिरकार हर्ष सिंह भागीदारी क्यों दिखा रहे हैं अपने? वो कह रहे हैं कि जैसा धमकी भरा कॉल आया हमारी ओर से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा रहा। रिंकू पाल का कहना है कि फोन उन्हें आया था कि उन्हें बोला गया नापी हो गई है, इस काम से तुम हट जाओ। अब इसमें हर्ष सिंह इतने इंटरेस्टेड क्यों है? तो यही बता रहे हैं आपको, वो हमारी जमीन है, हम अपना कोई भी बिल्डर को देना चाह रहे हैं, तो क्योंकि रिंकू ही नहीं बाकी दो चार बिल्डर से हमारी बातें हुई थी, संजोग से कल वो भी आ गए थे, बोले कि हम भी देख लेते अगर हमारे लायक होगा तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कल गए अचानक से, तो लोगों को लगा कि यही जमीन ले रहा है, जबकि कल हम नापी करवा के बाउंड्री कराने वाले थे,
जी। ये लोग उस काम को पहले तो झूठा है इधर उधर दाएं बाएं बतिया कर प्रशासन द्वारा थोड़ा ऑब्जेक्शन कराया जी। उसके बाद फिर प्रशासन बोला कि 4 बजे आपने आप पेपर लेकर आइए, सभी लोग दोनों पक्ष हम देख लेते हैं, जांच का विषय है वो। तो हम लोग तो अपना स्टीवर्ड थे, हम अपना जांच के लिए सारा पेपर निकाल कर रखे थे, 4 बजे जाएंगे, यही बैठा हम लोग बैठे हुए थे जी। तो वो भी हमारे साथ बैठे थे, बोले कि चलिए साथ में चलते हैं, हम भी थोड़ा मामला को समझ लेंगे जी। क्योंकि इस तरह से आ रहा है कि उनका नौटंकी वहीं से चालू था, तो वो लोग देखे थे कि कुछ लोग बाइक से आना जाना कर रहे थे जी। तो उन लोग को लगा कि हमारे पास जो बेचने वाला व्यक्ति था, हमारे पास है सारे पेपर है, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो वो बैठक में जाए तो क्या लेकर जाए, तो डराने का प्रयास किया। मेरे सामने देखे कि कॉल आया उनका, दो तीन जन एक साथ ही बैठा था, क्योंकि आवाज साफ साफ आ रही थी। तो बोले कि लीजिए हर सिंह बात करेंगे, तो हम बोले स्पीकर ऑन कीजिए, हम चुपचाप सुन रहे थे। तो अभी दो चार ही शब्द बोले, लेकिन उनको लगा कि हम गलती किए नॉर्मल कॉल करके। फिर बोले कि ठीक है कॉल आएगा, आप बात कर लीजिएगा। बकायदा तो उनकी ओर से ऐसा कहा गया है कि एक कॉल आएगा। हाँ बोले कि ऐसा है कि आप पहले तो जो पटांग शब्द बोलना था वो बोले दो चार शब्द, लेकिन उनको लगा कि हमारे बच्चों की छुट्टी, हम लोग भी वो भी बेचारे नहीं जानते थे कि इस तरह से कॉल आएगा, तो लोग पहले से रेडी रखेगा या कुछ भी रखेगा जी। तो अचानक से सुने तो वो भी अकबक आ गए, बोले अरे भैया हम तो अपना काम से, हमको जमीन से क्या लेना देना, हमको मिलेगा हम बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है आपको। तो अरे अरे आप हक चेत ना करे, हक जाइए दुनिया जान, जो भी बोलना था। तो चार ही शब्द दस मैंने बोला, लो मेन मेन शब्द को बोला कि इस किसी तरह ये लोग डर जाए। तो फिर मैंने एक सेकंड नहीं होता है विदेशी कॉल आता है जी। जो कि लगातार हमको लगता है कि हम दिए भी है मोबाइल के साथ, दिखा भी दिए थाने में कम से कम 30 से 35 बार। तो हम बोले कि नहीं उठाना है कॉल, नहीं उठाना, रिसीव नहीं करना, वो लोग नहीं किए। फिर हम उसी समय एसएसपी से क्लायर मिले, तो झरिया थाना में हम लोग आवेदन दिए जी। जब आप एसएसपी से मुलाकात किए, इस पूरे मामले से उनको अवगत कराया आप लोगों ने, तो उनका क्या कहना था कि कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या किसी तरह का एफआईआर दर्ज किया गया, कुछ कार्रवाई को लेकर आश्वासन मिला है कि कब तक ये एक्शन जो है बड़ा होने वाला है या इसी तरह लिपापोती होगी? कार्रवाई नाम पे तो मतलब हंसी आती है, क्योंकि आज तक धनबाद में जितने भी अपराध हुए हैं, मुझे नहीं लगता है किसी पर कार्रवाई हुआ और कोई अपराधी अब तक पकड़ा गया है। और फिर आश्वासन जैसे सभी को मिलता, वैसे कल उनको भी आश्वासन मिला। वो फिर बोले कि ठीक है थाना में आप आवेदन दे दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। फिर थाना में हम लोग गए, उनका बकायदा दिलाया, सारा डिटेल्स दिया, आप देखिए कहाँ तक, क्योंकि सत्ता के दबाव में कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े एक से एक कांड और एक से एक हत्या और एक से इन तीन चारों सौ के अंदर में हम लोग देख चुके हैं। तो अब तक प्रशासन का कुछ अच्छा रोल नहीं रहा, इसलिए नहीं राम प्रशासन को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि प्रशासन करना चाहती भी है तो सत्ता का दबाव आ जाए। मतलब आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर? बिल्कुल, वो जब से सत्ता में आए हैं, आप मेरे से नहीं पूरे धनबाद में पूछिए, एक एक व्यापारी से, एक एक यहाँ के जनता से, वो लोग आप लोग को रिपोर्ट देंगे कि इन लोग आने के बाद गुंडागर्दी रंगदारी चरण सीमा पे है। वो लोग सोच रहे हैं कि हमें धमकाने का, और वो बेचारा जो व्यक्ति एकदम साफ सुथरा छवि का है, हम बोले कि धनबाद में दरअसल इनका फिदरस बन गया है। धनबाद में आए दिन व्यापारियों की इनकी कॉल जाती है, कुछ अपराधी तत्व लोगों से इनका जुड़ाव है, तो उनके माध्यम से लोग कॉल कराते हैं, धमकाते हैं, रंगदारी मांगते हैं, पार्टनरी से लोग का क्या चलता है बस रंगदारी में। तो ये सिलसिला इन लोगों का, इनका देवर का, और इतने सब होने के बावजूद प्रशासन सोई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम 50 उसका उदाहरण आपको दे देंगे, जिसको अभी तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। मेरे झरिया में सोनू सिंह को इसी तरह रंगदारी मांगा गया, खुलेआम गोली चलाया गया, उनका एकलव सिंह ने चलाया, और आज तक FIR होने के बावजूद भी आज इस पूरे मामले में FIR हर्ष सिंह के साथ साथ एकलव्य सिंह और अभिषेक सिंह के खिलाफ भी की गई है। बिल्कुल, क्योंकि एक तीन व्यक्ति है जो जब से सत्ता आया है तब से इन लोगों का, तीनों का रंगदारी चरण सीमा पे है यहाँ व्यापारियों के साथ। हमारी लड़ाई जमीन का बात तो अलग है, वो तो हम चाहे जितना जाना होगा हम जांच के लिए जाएंगे, जांच का विषय है वो,
कोर्ट या जो भी निर्णय लेगा उसको हम स्वीकारेंगे, क्योंकि मेरा मेरे पास सारा कागज है, पत्थर है, हर तरह की व्यवस्था है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको दुख है कि आज इतना मन बढ़ गया सत्ता के दबाव प्रभाव से, इतना नशे में चूर हो गया है कि क्या लोग अपने मन, यहाँ कोई ठेकेदार कोई भी व्यापारी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है कोई यहाँ। मतलब अब तक तो हम सुनते थे रोज रोज मतलब कॉल आना, रोज रोज धमकी, लेकिन कल तो हम आंखों देखा हाल हो गया, क्योंकि मेरे ही सामने वो कॉल आया, जो भी कॉल किया उसको ये अंदाजा नहीं था कि वो हमारे ही बगल में बैठे रहेंगे। लेकिन ये जरूर हमसे मिस्टेक हुआ, क्योंकि अब आदमी उस फिदरत का हम लोग तो है नहीं, तो कॉल आया किसका आया, तो हजारों कॉल आता है तो हजारों लोग उठाते भाई, और वो भी व्यक्ति ऐसे साफ सुथरा के छवि व्यक्ति, तो उनको थोड़ा दूर से भी संदेह नहीं था कि मेरे मोबाइल पे इस तरह के कॉल आएंगे। तो इस तरह से हमारी जमीन पे इनकी नजर है, वो लोग सोच रहे हैं कि अकेली महिला है जी। जमीन तो एक तरफ, हम अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो धनबाद में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, अब पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी, आपने जो बातें रखी बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले में, और साथ ही साथ धनबाद में जो हो रहा है आए दिन, उन सब मुद्दों पर अपने बेबाकी से बातें रखी। कीजिए हमारे बात मतलब सारे धनबाद की जितने भी व्यापारी आप उनसे बात कीजिए, पता चल जाएगा कि कितना यहाँ प्रशासन काम कर रही है, और प्रशासन करती भी है तो सत्ता का दबाव किस तरह से प्रभाव दिखता है ये सभी लोग धनबाद की जनता देखती है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम फिर से सहयोगी कुंदन के पास जाना चाहेंगे। कुंदन, हमने रागिनी सिंह से बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि पूर्णिमा नीरज सिंह उनकी देख रेख में, जो झरिया की विधायक हैं, उनकी देख रेख में उनके देवर हर्ष सिंह, एकलव्य सिंह और अभिषेक सिंह लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं और पूरी तरह से चूक रही है प्रशासन। प्रशासन कुछ करना भी चाह रही है तो कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है। आप क्या कहेंगे कुंदन इस पर? आयुष की घटना की बात करते हैं धनबाद जिले में, तो धनबाद जिले में लगातार घटनाएं घट रही है। आप देख सकते हैं किस तरह की गोलीबारी होती है और किस तरह के यहाँ पे धमाके भी नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन सोई हुई है। प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रही है जो अपराधी होते हैं? अपराधी को प्रशासन को नहीं बोल सकते हैं, बता सकते हैं आपको, इसलिए आपको बता दें कि लगातार जो परेशानी जो हो रही है लोगों को, आपको बता दे रहे हैं, इसके चलते पुलिस प्रशासन फेल नजर आ रही है। हम आपको रोकना चाहेंगे कुंदन, हमारे साथ खुद हर्ष सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी लाइव सेवन में। सीधा सवाल आपसे ये है कि बिल्डर रिंकू पाल आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आपने फोन कर उनको कॉल पर धमकी दी है, क्या कहेंगे आप? प्रशासन इसकी जांच करेगी और अगर उसने उनके पास कोई साक्ष्य है तो पेश करे। और ये भी आरोप लग रहा है लगातार, बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने आप पर ये आरोप लगाया है कि जब से मौजूदा सरकार आई है आप लोगों की गुंडागर्दी बढ़ गई, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जो बीजेपी नेता रागिनी सिंह है उनका कहना है। रागिनी सिंह कौन होती है आरोप लगाने वाली? उनका क्या अधिकार है? प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, रागिनी सिंह कौन होती है और उसको जवाब देना मेरा कोई ये नहीं है, उसको हम जवाब दें। जी बिल्कुल, आप उन्हें जवाब नहीं देंगे, आप हमारे सवालों का जवाब दें, हम बस ये कह रहे हैं कि आप इस बारे में क्या सवाल करें। जी जी, आपसे यही सवाल है कि फिलहाल लगातार आप पर आरोप लगते आ रहे हैं हर्ष, अगर हम बात कर ले पिछले कुछ महीनों में तो आप पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं, आप पर आरोप लगे हैं कि आप फोन कॉल करके धमकी देते हैं, आप पर आरोप लगे हैं कि लेवी वसूली जाती है आपके द्वारा, आरोप कई तरह के लगे हैं। कितने हैं? जी बिल्कुल, कंप्लेन आ रहे हैं, कई कारोबारियों की भी कंप्लेन आए हैं और कई ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है कि लगातार हर्ष सिंह और उनके गुर्गों द्वारा हमें फोन आता है। तो कंप्लेन अगर है तो प्रशासन के पास कंप्लेन जाएगी ना। जी, प्रशासन पर भी आरोप लग रहा है कि आपके खिलाफ जब FIR दर्ज कराया जाता है, जब आवेदन दर्ज कराई जाती है तो राजनीतिक दबाव में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक पिछले 3 साल में तो मुझे नहीं लगता मुझ पर कोई FIR दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, अभी जो रिंकू पाल का मामला है इसमें आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, बाकायदा हमारे पास आवेदन की कॉपी है
और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आपने फोन कॉल करके ना वो मेरा मोबाइल नंबर मेरा है जी, मेरे नाम तक फोन कर ले उसकी जिम्मेवारी तो मेरी नहीं बनती है जी। एक विवाद है, इस पूरे मामले की शुरुआत जमीन विवाद से हुई है। ना मेरा जमीन का व्यापार से कोई लेना देना नहीं, जमीन का मैं कारोबार करता हूँ, मेरे पास कारोबार की कमी नहीं है जी। आप कह रहे हैं कि कारोबार की कमी नहीं है, रागिनी सिंह का कहना है कि इस जमीन के मामले को लेकर ही आपने रिंकू पाल को फोन किया और आए दिन इस तरह के कारोबारियों को आप फोन कर धमकी देते रहते हैं। तो भाई अगर मैं करता हूँ तो उसकी सामने आएगी ना, लोग कंप्लेन करेंगे, आपके पास ही ठीक है प्रशासन, आपके पास तो आएगी ना जी। बिल्कुल, बताएं एक भी बताएं ना पिछले 3 साल में कौन सा कंप्लेन है मेरे नाम पे। कंप्लेन तो आपके नाम पर हर्ष जी आती रहती है, कारोबारी लगातार ये कहते रहते हैं कि आप लोगों के द्वारा, हालांकि आपका नाम सीधे तौर पर ले ना ले, कहा जाता है कि आपके गुर्गों द्वारा हमेशा लेवी वसूलने को लेकर धमकियां दी जाती हैं, रंगदारी वसूला जाता है आप लोगों के द्वारा। मेरे नाम पे बोलना और लिखित और मौखिक में बहुत अंतर है, मुंह से कोई कुछ भी बोले, लिखित में कहीं है जी? लिखित में अभी फिलहाल हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन रिंकू पाल मामले में एक आवेदन जरूर है जो थाने में दर्ज कराया गया। उसका जवाब बहुत प्रशासन ने दे दिया, प्रशासन उसकी जांच करेगी जी। बिल्कुल, प्रशासन जांच करेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। ये थे हर्ष सिंह, जिन पर आरोप लगे हैं कि यही फोन कॉल करके धमकी देते हैं और रिंकू पाल मामले में भी इन्हीं के द्वारा फोन कॉल की गई थी। हमारे साथ सहयोगी कुंदन जुड़े हुए थे धनबाद से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, माफ़ कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद हम उनको देना चाहेंगे। तमाम जानकारियां जो उन्होंने दी इस मामले पर बेहद महत्वपूर्ण थी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दो घरानों की लड़ाई में अब जो रिंकू पाल बीच में फंसे हुए हैं इनका क्या होता है। फिलहाल मामला थाने में दर्ज करा दिया गया है, अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है। हालांकि कार्रवाई के नाम पर अगर हम कुछ अपनी ओर से भी कह दें, धनबाद में प्रशासन शून्य पड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। अब SSP देख लें या वहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, या थाना के कह लें या OP के कह लें, सब की बात कर लेते हैं, कहीं भी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। अब देखना है रिंकू पाल मामले में ये हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा, इस पे SSP के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 7। नमस्कार।